जुड़ते भैया। जय गुरुदेव पवन। बुक पर चलते हैं। बुक पर हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीख लिया था और इसके बाद इसको बैलेंस करना सीख लिया था। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है वो हमें जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या कर देता है। साथ साथ ये भी बताता है कि परमाणु संख्या जो है वो अभिकारक और अभिकार उत्पाद दोनों में ही परमाणु संख्या तत्वों की कैसी होती है, बराबर होती है। इसलिए हम उसको जो है वो संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है। दो चीजें बताता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है वो, है ना। दूसरा ये भी बता देता है कि परमाणु संख्या जो है वो समान रहती है अभिकारकों की और उत्पादों की। तो वो दोनों ही चीजें जो है वो हमको रासायनिक समीकरण में पता पता चलता है। एक रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है ZnSO4, ये वाला तो देख चुके थे। एक यहाँ पर इन्होंने जो है वो स्टेप बाय स्टेप दिया है, चरण 1 स्टेप 1 दिया हुआ है। उसके बाद जो है स्टेप 2 कैसे कैसे सॉल्व करना है वो सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अब अगर अपन इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है हम जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतनी देर लगेगी हमको सॉल्व करने में कि हमको। देखो आप, सबसे पहले इन्होंने पहले स्टेप में क्या किया है, इसको डब्बों में परिवर्तित कर लिया, यौगिकों को डब्बे बना लिए, बॉक्स बना लिए। फिर उसके बाद क्या किया है, वो टेबल बनाई है जिसमें हम तत्व लिखते हैं, अभिकारकों की परमाणु की संख्या लिखते हैं, उत्पादों की परमाणु संख्या लिखते हैं, है ना। एक दो एक ही आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या लिख ली, जैसा अपन ने पिछली बार में भी देखा था। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे सब, सब पहले संतुलित करते हैं। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे, 4 ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है तो उसको सबसे पहले संतुलित कर रहे हैं। फिर से एक टेबल बनाई। फिर उसके बाद याद रखना आवश्यक है परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में तत्वों को सापेक्ष यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक को संतुलित करने के 4 गुणांक लेकर 4H2O लिखना पड़ेगा, है ना। अब हम वही बात है, इसको जो है वो 4 हमेशा कहाँ लगेगा, यौगिक के आगे लगेगा, नीचे नहीं लिख सकते, ये बताना चाह रहा है उसको। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप क्या बता रहा है, चौथा स्टेप बता रहा है Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इससे तत्व को और ज्यादा उसको संतुलित करने के लिए और ज्यादा उसको बैलेंस करते हैं, है ना। फिर उसके बाद सातवें स्टेप में हमको आंशिक रूप से संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस स्टेप में क्या हुआ, Fe देखो Fe3 है अभी यहाँ पर, इसमें Fe3 नहीं है, है ना। हाइड्रोजन 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, अभी Fe बचा हुआ है। तो Fe को भी बराबर करने के लिए क्या करेंगे, वो पांचवें स्टेप में जाएंगे और छठी स्टेप में जो है वो उनको समीकरण संतुलित प्राप्त होगा। तो जो मैंने अपन को आपको सॉल्व करना सिखाया है वही जो है इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है कि संतुलित कैसे करते हैं किसी रासायनिक समीकरण को, है ना। तो अब इस पे यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए नॉर्मल क्वेश्चन तो है ही, बुक में आएंगे वो अपन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन बनता है जैसे हम मिसलेनियस क्वेश्चन बोलते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो हर एक चैप्टर के आपको पता होना चाहिए। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब कि थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो एक मिसलेनियस क्वेश्चन क्यों बताता हूँ मैं, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि पूरे चैप्टर में से एक या दो चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, घूमे हुए क्वेश्चन आते हैं पूरे चैप्टर्स में से, तो वो आपको पता होना चाहिए, वही आपके नंबर कटवा रहे होते हैं। यहाँ पर एक मिसलेनियस क्वेश्चन इस पे से ये बनता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की चरणबद्ध चरण लिखिए, चरण लिखिए कैसे कैसे। अब ये क्वेश्चन आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आपको देखना अब यहाँ पर कंफ्यूजन या फिर गफलत की स्थिति क्या रहती है। आपको कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित करना आता है कि इसको ऐसा करते हैं इसको ऐसा करते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, 3 नंबर में पूछ लिया कि इसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते करते समय किन किन चरणों का उपयोग किया जाता है लिखिए। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें आपको मन से लिखना आना चाहिए। चरण फर्स्ट क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट लिखेंगे कि सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण को उनके यौगिकों के रूप में बॉक्स पर लिख लेते हैं। सबसे पहला तरीका है, कोई सी भी रिएक्शन उठा लो, जरूरी नहीं इन्होंने जो रिएक्शन किया आप वही लिखो। आपके लिए सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी है, Mg+O2 चेंजेस टू MgO, सबसे अच्छी रिएक्शन है और वो सबसे पहली रिएक्शन है जो आपको पढ़ाते हैं, मैग्नीशियम तार को जलाना, Mg+O2 चेंजेस टू MgO, है ना। इसको क्या करोगे, Mg को डब्बे में लिख लो, O2 को डब्बे में लिख लो, MgO को डब्बे में लिख लो, है ना। यौगिकों को आपने क्या करा, डब्बे में लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जो है वो आप जो है दूसरे नंबर पे लिखोगे कि फिर उसके बाद जो है तत्वों को पहचानना है और उनके अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या लिख लेना, वो टेबल। अब बोलोगे टेबल भैया आपको उसमें तो इतना बड़ा बड़ा लिखा था, कुछ नहीं आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, आपको लिखना तत्वों का नाम, परमाणु की अभिकारक के परमाणु की संख्या, उत्पाद के परमाणु की संख्या। तो Mg और O2 बस दो ही तत्व है, Mg और O, तत्वों के नाम क्या हो जाएंगे, Mg और O2 नहीं रहेगा, 2 तो अपन को यहाँ पर लिखना है परमाणु की संख्या में, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
उसका तीसरी स्टेप में जाओगे तो तीसरी स्टेप में बोलना पड़ेगा आपको सबसे ज्यादा परमाणु जिसके होते हैं उसको हम चूज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा परमाणु यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन के होंगे, O2 हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब उत्पाद में जो है वो आगे दो लगाएंगे। फिर उसके बाद जब हमने उत्पाद में लगाया तो वो ऑक्सीजन के बाद जो है वो एमजी में भी लग गए दो, तो हम चौथे स्टेप में बोलेंगे कि हम एमजी को भी संतुलित करने के लिए अभिकारक में भी दो लगा देते हैं। और आखिरी पांचवें कंडीशन में बोल दोगे कि आप समीकरण संतुलित है। तो जरूरी नहीं है आपको ये जो बुक में दिया हुआ है यही टॉपिक पूरा का पूरा रखना है, आपको मर्जी से लिखना आना चाहिए। और ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, चांसेस कम है आने के, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के स्टेप कौन कौन सी है। पहले स्टेप में क्या करा, तत्व और यौगिकों को बॉक्स में लिखा। दूसरी स्टेप में क्या करा, तत्वों को पहचाना और उनको अलग लिख लिया। अब यहाँ पर इनकी इनकी इन्होंने जो समीकरण लिया हुआ है उसमें तीन तत्व आ रहे हैं, जबकि जरूरी नहीं है हमको तीन ही मिले। हमको जो है वो ये, अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाना हुआ हो तो इसमें केवल दो ही तत्वों के नाम लिखेंगे, एमजी और ओ, है ना। एमजी के अभिकारक में परमाणु संख्या कितनी, एक है। और ऑक्सीजन की अभी भी ऑक्सीजन की कितनी रहेगी, एमजी और O2 रहता है ना, तो ऑक्सीजन की दो हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस भैया। हाँ, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी रासायनिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो उसको लिखना भी आना चाहिए कि स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं। स्टेप फर्स्ट में इसको हिंदी में लिखेंगे अपन, स्टेप फर्स्ट में पहले तो कि किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित यौगिकों के ऊपर बॉक्स बना लिए जाते हैं। फिर उसका उदाहरण कैसे लिखोगे, एमजी प्लस O2, क्योंकि उतना बड़ा उदाहरण आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास छोटा उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन को जलाना, एमजी प्लस O2 changes to MgO। इसको क्या करते हैं, डब्बों में बंद कर लेते हैं। तो Mg को डब्बे में लिख लिया, O2 को डब्बे में लिख लिया, MgO को डब्बे में लिख लिया। फिर उसका स्टेप टू क्या करते हैं, स्टेप टू लिखेंगे हम के अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारक और उत्पादों में तत्वों के परमाणु संख्या लिख लेते हैं। तो टेबल बनाते हैं इसके लिए, है ना। तो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, कल भी अपन ने बनाई थी, एक टेबल बना लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, तीन पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। पहले में तत्व लिखेंगे, दूसरे में अभिकारक के परमाणु की संख्या, और तीसरे में जो है वो उत्पाद के परमाणु की संख्या। तो सबसे पहले वाले में क्या लिखेंगे, पहले वाले में लिखेंगे तत्व, फिर उसके बाद अभिकारक, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं ना, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, ये लिखना चाहिए सही, तो परमाणुओं की संख्या मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। फिर उसके बाद उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, याद रखें, लेकिन मैं फिर भी करवाता हूं क्योंकि जरूरी समझता हूं मैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन घूमा तो आपको वहां पर समझ में नहीं आएगा कि स्टेप कैसे लिखना है। परमाणुओं की संख्या, है ना, परमाणुओं की संख्या पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, राइटिंग पर भी ध्यान मत देना, मैं केवल आइडिया दे रहा हूं आपको ऐसा लिखना है। तो अब इस रिएक्शन में केवल दो तत्व दिख रहे हैं आपको, एक तो मैग्नीशियम दिख रहा है और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम लिख लेते हैं, मैग्नीशियम का साइन क्या है, Mg, और ऑक्सीजन का संकेत क्या है, O। अभिकारक के परमाणु की संख्या, अभिकारक किसको बोलते हैं, इसको, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है, दो है। तो मैग्नीशियम एक लिख लेते हैं, ऑक्सीजन दो लिख लेते हैं। उत्पाद में देखो दोनों ही एक एक है, मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है, उत्पाद में क्या कर देंगे, दोनों को एक एक लिख लेंगे, बस हमारी ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई। फिर उसका थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा आपको कैसे स्टेप बनाना है, थोड़ा सा मन से लिखना पड़ेगा जाहिर सी बात है, लेकिन आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, अपन सबसे ज्यादा परमाणु संख्या जिसकी होगी उसको उसको जो है वो संतुलित किया जाएगा। तो इसको संतुलित करने के लिए आप जो रिएक्शन लिखेंगे हम वो कैसे लिखेंगे, जैसे Mg प्लस O2 था ना, ये O2 इस साइड O था, O2 था, और इस साइड क्या था, केवल O था। इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, इस वाले O को क्या बनाना पड़ेगा, O2 बनाना है। आगे हम क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे। ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा चौथे स्टेप में, चौथे स्टेप में लिखेंगे भैया ऑक्सीजन के आगे दो लगाया तो Mg भी दो हो गए, उत्पाद में इसकी संख्या हो गई। तो चौथे स्टेप में क्या हो जाएगा, चौथे स्टेप में हम जो है वो Mg को भी, इस साइड वाली Mg को भी क्या कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, दो बना देंगे। तो इसको जब दो लिखेंगे तो चौथे स्टेप में क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी पूरी तरह से। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। इस तरह से आपको चार स्टेप में हिंदी भी लिखना पड़ेगी, साथ साथ ही रिएक्शन भी लिखना पड़ेगी। यहाँ पर बात ध्यान दीजिए, मैंने हिंदी बोली है, लिखी नहीं है, है ना। हिंदी कैसे लिखना पड़ेगी, स्टेप वन में लिखना पड़ेगी सबसे पहले रिएक्शन में उपस्थित, रिएक्शन को हिंदी बोलते हैं अभिक्रिया, अभिक्रिया में उपस्थित यौगिकों को एक बॉक्स में लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद ये वाली रिएक्शन लिख दोगे, कौन सी, ये वाली, ऐसा।
फिर उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में लिखेंगे अभिक्रिया में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या को लिख लेते हैं। तो दो तत्व मौजूद है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या को लिख लिया, ये वाली टेबल बना दी। तीसरी स्टेप में सबसे ज्यादा परमाणु वाले तत्व की संख्या को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आगे दो लगा दिया, ये वाली रिएक्शन लिख देंगे उसके नीचे। चौथी स्टेप में ऑक्सीजन को दो करने पर उत्पाद में मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या भी दो हो गई है, इसलिए अभिकारक में भी मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या दो करने के लिए मैग्नीशियम के आगे दो लगा देंगे और ये वाली रिएक्शन लिख देंगे बस। इसके बाद लिखेंगे स्टेप फोर, चरण चार में प्राप्त हुई संख्या, या फिर यहाँ पर सीधे लिख देंगे अतः अब रासायनिक समीकरण संतुलित है, अतः अब रासायनिक समीकरण संतुलित है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ऐसा लिख देंगे। ये स्टेप हो जाएंगे, आपको 3 नंबर कोई माइकल लाल में दम नहीं है कि 3 नंबर आपके काट सके। ये कठिन क्वेश्चन हो गया, चांसेस बहुत कम है इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए, लेकिन मेरा काम है बताना ताकि आप घबराओ ना एकदम से वो आ जाए क्वेश्चन, तो है ना कि आपने पढ़ा ही नहीं है ये चीज, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा तरीका है, मैंने आपको इसको कौन सी मेथड बोलते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल, तुक्का लगाओ और पुट करो, आंसर आंसर पुट करो, हिट एंड ट्रायल को बोलते हैं तुक्का विधि, तुक्का लगाना, है ना, तो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो चरण 7 भी दिया हुआ है, अपन इसको अब नहीं देख रहे हैं, अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या लिखी हुई है, चरण 7 क्यों लिखा है इन्होंने, चरण 7 स्क्रीन लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे थे ना, वो ठोस, द्रव या गैस, तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, तीनों ही फॉर्म में हो सकते हैं। तो जब कोई चीज ठोस होती है, जब कोई चीज ठोस होती है तो उसके आगे जो है वो हम एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस, एस बोले तो सॉलिड, है ना। यदि जैसे यहाँ पर लोहा था, लोहा जो है वो क्रिया कर रहा था, तो लोहा कैसा होता है, ठोस होता है ना, तो उसके आगे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। फिर तो उसके बाद जो पानी होता है, पानी जो है इसकी क्रिया हमने जो है वो पानी से करवाई थी, पानी जो है वो यहाँ पर इन्होंने गैस फॉर्म में लिख दिया है, तो जल जो है वो एक्वस फॉर्म में होता है, एक क्यू लिखना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है ना, पानी गैस के फॉर्म में नहीं होता है, एक क्यू लिखना चाहिए था यहाँ, देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ समीकरण में H2O के साथ जी चिन्ह का उपयोग किया गया, ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया में ये दिखाता है कि जल का उपयोग भाप के रूप में किया जाता है ना। अगर यहाँ पर हम, जाहिर सी बात है, जो पानी होता है अगर भाप अवस्था में बोले तो वो गैसीय अवस्था होती है उसकी, बिल्कुल। तो यहाँ पर बात हो रही है, जो हमने जी लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि पानी क्या के रूप में, भाप के रूप में यहाँ पर यूज किया जा रहा है, गैस के रूप में यूज किया जा रहा है, इसलिए ये लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद ये जो हमको मिला हुआ है, ये फिर से सॉलिड मिला हुआ है, और जो आखिरी में हाइड्रोजन गैस मिली हुई है वो भी गैसेस फॉर्म में, इसलिए जी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस अवस्था में हम पदार्थ की यौगिक का यूज कर रहे होते हैं उसको हम जो है वो आगे लगा देते हैं, चाहे वो एस हो, चाहे जी हो, चाहे एल हो, या एक्वस फॉर्म में हो, है ना। ये तीनों तीनों चारों चीजें यहाँ पर हो सकती है, जहां पर एस मतलब होता है सॉलिड, जी मतलब होता है गैस, एल मतलब होता है लिक्विड, और एक्वस फॉर्म होता है मतलब कि घुलनशील, घुलन कोई सा दो दो तत्वों का मिला हुआ विलयन, है ना, मतलब जलीय फॉर्म, आप जैसे बोलते हो गाढ़ा गाढ़ा द्रव बोल सकते हो। लिक्विड फॉर्म में जैसे पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको एल बोलते हैं, और पानी में यदि मैं नमक घोल दूंगा तो वो एक्वस फॉर्म हो जाएगा, पानी में यदि मैं शक्कर घोल दूंगा तो वो एक्वस फॉर्म हो जाएगा, मतलब पानी लिक्विड में कोई चीज घुली हुई हो तो वो एक्वस फॉर्म हो जाएगी, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो है कुछ रिएक्शन और दी हुई है, ये आखिरी स्टेप है, ये आपको भी लिखना चाहिए, ये वाली स्टेप आखिरी स्टेप है, भले यहाँ पर स्टेप 7 में खत्म हुई है, अपनी जो है वो 5 में खत्म हो गई थी, मतलब 4 में खत्म हो गई थी, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाएंगे आप, और इसके आगे आगे जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस जरूर लिखेंगे, ये अच्छी आदत होती है। हालांकि मैं बच्चों को स्टार्टिंग में मना करता हूँ कि आप सॉलिड लिक्विड गैस पर ध्यान नहीं दो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत हद तक, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखो मैग्नीशियम रिबन आपने देखा है, महसूस तो नहीं किया, जाहिर सी बात है अभी क्लास नहीं लगी है, लेकिन देखा है आपने रिबन ठोस होता है, तो हम मैग्नीशियम को लिखेंगे ठोस, सॉलिड है सॉलिड लिखेंगे। ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में यूज कर रहे हैं हम, तो O2 को लिखेंगे गैस, जी। और जो MgO बन रहा है तो वो राख बन रही है, आपने शायद, मैंने जब जलाया होगा मैग्नीशियम रिबन क्लास में कभी, तो आपने देखा होगा रिबन के नीचे राख बसती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, वो भी
सॉलिड फॉर्म में होता है। अब जो है ये रिएक्शन लिखना बिल्कुल सही तरीका है, ये रिएक्शन आपके लिखने का बहुत सही तरीका है। तो आपको कई बार आपको यहाँ पर रिएक्शन ये ऐसी लिखेंगी लिखी हुई मिलेंगी जहां पर ब्रैकेट में लिखा होगा। कई बच्चे घबरा जाते हैं ये एस क्यों लिखा है। यकीन मानो 11th क्लास में जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था, 10th क्लास में हमारा नहीं था ये चीज, जब पुरानी बुक थी तो जब हमने ये पढ़ा था तो मेरे को समझ में नहीं आता था यार मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, ये एस फालतू में लिख रहा है, मेरे को बहुत घबराहट होती थी। तो वो इसलिए लिखा जाता है कि हम मैग्नीशियम को किस रूप में यूज कर रहे हैं, ठोस द्रव गैस, इसलिए लिखा जाता है। जैसा आपने देखा ना वो रिएक्शन बुक में इसलिए उन्होंने दी हुई है यहाँ पर कि H2O को उन्होंने ठेके गैस में लिखा हुआ है, ताकि आप खुद समझो, यहाँ पर खुद कंफ्यूजन पैदा हो यार H2O तो लिक्विड होता है उसको गैस क्यों लिखा हुआ है। तो उन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर भी किया, यहाँ पानी को हमने भाप के रूप में यूज किया है इसलिए जी शब्द का यूज किया है। तो ये समीकरण हम AQ और L का L की हिंदी बता दीजिए क्या होता है उसका मतलब। L का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड मतलब क्या होता है द्रव, और AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म मतलब कि जलीय विलयन, जलीय विलयन। जैसे मैंने बताया ना पानी अगर सिंपल लेंगे हम तो वो लिक्विड है, द्रव है। अगर पानी में नमक घोल दूं तो वो एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, पानी में शक्कर घोल दूं या फिर कोई और केमिकल घोल दूं, पोटेशियम परमैंगनेट घोल दूं, कुछ भी घोल दूं तो वो एक्वस हो जाएगा, उसका जलीय विलयन हो जाएगा, है ना। तो हमें एक्वस फॉर्म बहुत बहुत बार मिलता है, हमको ज्यादातर एक्वस फॉर्म ही मिलता है, लिक्विड बहुत कम मिलता है, लिक्विड फॉर्म बहुत कम मिलता है, हमें एक्वस फॉर्म ही ज्यादा मिलता है ना। तो लिक्विड और एक्वस में फर्क क्या है, ये जलीय मतलब द्रव अवस्था है केवल, और किसी चीज का जलीय विलयन एक्वस फॉर्म पे कहलाएगा, एक्वस बोलते हैं उसको, एक्वस फॉर्म है ना। तो जलीय विलयन को एक्वस बोलते हैं, वो अपन यूज करेंगे अभी बहुत बार। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपन आखिरी में ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इकट्ठे हो जाएंगे अपने पास क्वेश्चन। अब उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक शुरू होता है जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर जो है वो पहला टॉपिक है संयोजन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है संयोजन अभिक्रिया, है ना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, तो इसके लिए एक प्रयोग करने को बोला है। इस वाले प्रयोग को आपने सभी ने घरों में किया हुआ होगा। यदि हम बुझे एक चूने में, अगर चूने में पानी मिलाते हैं तो आपने देखा होगा चूने का जो चूना होता है वो गर्म होने लगता है, होता है कि नहीं। जल के साथ यदि हम चूने की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल, आपने देखा होगा घरों में भी, जब अभी तो खैर चूना कोई नहीं पोतता है, लेकिन कच्चे घरों में जब चूना पोता जाता था तो चूने को सबसे पहले गला दिया जाता था। यहाँ पर अपन चूने से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी जनरल बातें भी आपको पता चलेंगी चूने से जुड़े हुए, है ना। तो चूना जो है वो पानी में गला देते हैं, फिर उसके बाद जैसे पानी डालते हैं तो वो गर्म होने लगता है बर्तन, जिसमें कई बार तो उबाल भी आने लगता है, उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं, है ना, वो गैस। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने आप ठंडा हो जाता है। तो जो चूना पहले पानी मिलाकर जो है वो उसमें बुलबुले उठते हैं उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। मैं आपको इसका नाम लेके बता देता हूँ क्योंकि बहुत बार केमिस्ट्री में बहुत बार इस टर्म का यूज किया जाएगा, इसलिए आपको इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, चूने के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए, वो आज अपन बात करेंगे चूने के बारे में। तो सबसे पहले बात हो रही है बिना बुझा हुआ चूना, जो हम दिवाली पे चूना लाते हैं और उसको गलाते हैं और जिसमें से बुलबुले निकलते हैं उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है CaO, CaO फॉर्मूला होता है CaO। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। आज की ये वाली लेसन भूलेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत बार यूज किया जाएगा ये चीज, है ना। चूने के बारे में बहुत सारी चीजें यूज की जाएंगी इसलिए ये जरूरी है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना है। जब हम इसमें बिना बुझे हुए चूने में पानी मिला देते हैं, पानी मिलाते हैं तो बुलबुले निकलते हैं और एक गैस निकलती है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। जब हम बिना बुझे हुए चूने की क्रिया पानी उससे करवाते हैं, पानी से, तो एक गैस निकलती है और एक चीज मिलती है हमें, क्या मिलती है देखते हैं। रिएक्शन लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अपन ने क्या किया, एक दिवाली पे बिना बुझा हुआ चूना लाए, CaO लाए, और उसकी क्रिया जो है वो पानी से करवा दी, पानी से करवा दी मतलब H2O से करवा दी, H2O
उसे करवा दी। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये चेंज हो जाता है और एक सब्सटेंट बनाता है जिसको बोलते हैं, वो सब्सटेंट बनता है ये CaOH का होल ट्वाइस। साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखिए CA तो एक ही है, CA एक ही है तो CA एक हो गया, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन दो है तो हाइड्रोजन दो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दो हो गए। ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर जो है वो दो दिख रहा है आपको, दो हो गए जहां तक मुझे मालूम है। CO2 दो मिनट एक बार कंफर्म करने तो मुझे CaO प्लस H2O दो का इंटू होगा ना इधर पे। दो मिनट बेटा, यहाँ पर CO2 गैस नहीं निकलती है, यहाँ पर CO2 गैस नहीं निकलती है, इसको आप स्किप करो। CO2 गैस नहीं निकलती, ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। CA यहाँ पर आप देखो रिएक्शन बैलेंस ही है, कैल्शियम एक था, कैल्शियम एक ही है, ऑक्सीजन दो थे, ऑक्सीजन दो है यहाँ पर, एक एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन भी दो है, हाइड्रोजन दो चाहिए थे, हाइड्रोजन भी यहाँ पर दो है, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। तो जब हम बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाते हैं तो हमें मिलता है बुझा हुआ चूना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला, इसको इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था ना, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH का होल ट्वाइस। बुझा, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें हाइड्रोजन भी जुड़ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस उसका फॉर्मूला होता है। अब ये चीजें बनाई कैसे जाती है, ये चीजें यहाँ पर चूना पत्थर को जो है वो गर्म करके बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो चूना पत्थर होते हैं वो चूना पत्थर के पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, है ना, चूना पत्थर जो है वो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, चूना पत्थर इसकी चट्टाने होती हैं, तो इसको तोड़कर वहां से लाया जाता है, चूना पत्थर बोलते हैं। चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। इसका नाम, फॉर्मूले का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और एक आपको जानकर हैरानी होगी, जो मार्बल बना हुआ रहता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, जो मार्बल होता है ना, मार्बल के आपने चट्टाने देखी होंगी, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, उसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। क्या करते हैं, CaCO3 को कैसे बनाते हैं अपन, इससे सारी चीजें, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं CaCO3। यहाँ पर एक और चीज आपको केमिस्ट्री के बारे में सीखने को मिलेगी, CaCO3 को गर्म करते हैं ना, तो यहाँ पर साइन जो है वो लगाते हैं ऐसा साइन, गर्म करने का साइन ऐसा लगाते हैं, या फिर कई बार टेम्परेचर भी, यहाँ पर इसको तिकोने को बोलते हैं गर्म करने का साइन, है ना, और यहाँ पर टेम्परेचर भी लिखना होता है कुछ कुछ, है ना, कितने टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपको जरूरत नहीं है टेम्परेचर की, ना मुझे मालूम, मैंने इसलिए मैं गलत भी नहीं बताना चाहता। CaCO3 को गर्म करते हैं, ये हो गया गर्म होने का साइन, तो जैसे ही गर्म करते हैं ना तो हमारे पास मिलता है हमको CaO और CO2, यहाँ पर बनती है CO2, मैं वहां पर ऊपर बता रहा था गलती से, यहाँ पर जो है बनती है CO2, है ना। तो CaCO3 को गर्म करने पर ये टूट जाता है काय में, CaO कहीं देखा हुआ लग रहा है, CaO यही है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड काय से बनता है, चूना पत्थर से बनता है, चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो काय में कन्वर्ट हो जाता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही हमको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये लिखने का तरीका अभी सही नहीं है, मैंने आपको बताया कि दो चीजें इसमें आपको ऐड करना चाहिए, पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है,
तो सॉलिड यहाँ पर सॉलिड लगाएंगे, ये CaO भी सॉलिड होता है तो इसको भी सॉलिड लिखेंगे, S लिखेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसको भी गैस लिखेंगे। एक और चीज यहाँ पर मिसिंग हो रही है जो कि आपको लिखने की आदत डालना चाहिए, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अभी केवल आप इन पे भी गौर मत करिएगा, आप स्टार्टिंग में इन पे सॉलिड लिक्विड गैस पे फोकस मत करिएगा, नहीं तो आप जो है बहुत सारी गलती करेंगे। केवल इस रिएक्शन पे फोकस करिएगा, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, है ना। तो वो चीज बाद में अभी भी पूरी नहीं हुई है। अगर हम बात करें, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे सॉलिड लिक्विड गैस लिखने की, तो ये हमने सॉलिड लिख दिया, इसको भी सॉलिड लिख दिया और इसको गैस लिख दिया, ये अभी भी पूरी नहीं हुई है। हमको एक और आदत डालनी है इसमें, नीचे जो है इसके नाम लिखने की। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो मैं इसके नीचे लिखूंगा कैल्शियम कार्बोनेट हिंदी में, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अब जो है जब मैं इसको लिख दूंगा सभी के नाम, जिनका नाम नहीं पता छोड़ दो उसको, बिल्कुल गलत मत लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, और तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी अपन हिंदी में लिखेंगे। अब जाके आपकी रिएक्शन लिखना पूरी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिश करिएगा इसको एक के नीचे एक लिख दो आप, जगह ना हो एक, एक किसी को मतलब इस सब्सटेंस के नीचे ये लिखाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुंच गया, वो लिखने का तरीका गलत है। देखो मैं चाहता तो साइड में लिख सकता था, लेकिन इसी के नीचे लिखा था, लिखने का तरीका ये होता है। अब जाके आपकी एक रिएक्शन जो है वो पूरी हुई है। इसको आपको इतनी चीजें ध्यान रखना है, किस टेम्परेचर पे हो रही है, कोई इसको उत्प्रेरक भी बोलते हैं, क्या होते हैं अभी बात करेंगे कुछ टाइम बाद। इस पे कुछ ना कुछ होता है, कभी टेम्परेचर होता है, कभी कोई तत्व की उपस्थिति होती है, कुछ भी उठपटांग होता है, वो देखना होता है। इन तत्वों की यौगिक जो है यहाँ पर, इन यौगिकों की सॉलिड लिक्विड स्टेट पता करना पड़ती है, वो हमको पता होना चाहिए। साथ साथ उन सभी यौगिकों के नीचे हिंदी में नाम भी लिखना होता है, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको केमिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारी बेसिक बातें बताई जो कि आपको पता होना चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है, है ना। नहीं तो आपको बार बार 10th 11th 12th में यही बोला जाएगा, ये तो पढ़ा होगा। इसलिए ये चीज, पहली बात, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO इसका फॉर्मूला होता है। दूसरी बात, अगर हम इसको हम पानी से मिलाएं, जो कि हम दिवाली पे करते हैं, बिना बुझा हुए चूने को जो है वो पानी से मिलाएं, तो CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, सॉरी, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस पढ़ते हैं इसको, दो लिखा हुआ है ना, तो CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, है ना। और इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी OH लगा रहता है ना, OH समूह, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, भैया वो बिना बुझा हुआ चूना, तो ये बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, CaOH का, CaO, और ये वाला जो है बुझा हुआ है। बुझा हुआ मतलब कि ये अब बुझ चुका है, और अगर पानी डालोगे तो अब जो है इसमें से कोई गैस नहीं निकलेगी, बुझ गया है, है ना। तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब भी किसी तत्व के यहाँ पर OH समूह कहीं पर भी जुड़ा हुआ हो ना, तो समझ जाइएगा हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं उसको। और जब भी CO3 जुड़ा हुआ हो ना, CO3, इसको कार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट। तो ये नाम पढ़ने में आपको मदद करेगा ये चीज। कार्बोनेट किसको बोलते हैं, जब CO3 लगा होता है। OH का होल ट्वाइस किसको बोलते हैं, जब हाइड्रोक्साइड लगा होगा तब OH बोलते हैं। OH का जब लगा होगा तो उसको हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। आप खुद ही मेरे को एक आंसर दो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है NaOH, मैंने अभी आपको बताया कि OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, और ये आगे क्या लगा हुआ है, सोडियम लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया अभी CO3 जो पढ़ते हैं उसको जो है वो कार्बोनेट पढ़ते हैं, है ना। यदि मैं इसके आगे H लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3। कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं। आपको कई सारे यौगिकों के नाम पता चल जाएंगे उससे, है ना। तो यहाँ पर जो है वो ये चीज बता। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं आपको, जो हम खाने में यूज करते हैं, खाने में बुझा हुआ चूना यूज करते हैं। कौन सा चूना, बुझा हुआ चूना यूज करते हैं हम खाने में, बुझा हुआ चूना, है ना। मतलब उसको बुझाया जा चुका है, पानी उसमें मिलाया जा चुका है, जिससे वो बुझा हुआ चूना बनता है। आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों ने चूना खाने से छाले हो जाते हैं, है ना,
कई बार ऐसा सुना होगा कि चूने खाने से जो है मुंह में छाले हो जाते हैं, वो किस कारण से होते हैं? जब भी बिना बुझे हुए चूने को बुझाकर उसको खाने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन अगर वो किसी कारण से सही तरीके से नहीं बुझ पाया है, सही तरीके से नहीं बुझ पाया है, और यदि वो सही मतलब ऐसे कई बार ऐसा होता है ना, बबल बन जाते हैं, बबल बनने के कारण से क्या हो जाता है, पाउडर सूखा सूखा रह जाता है। जिन बच्चों ने खाना बनाया है उनको पता होगा, जब वो चीज जो है जैसे पानी मिलाते हैं आटे में और घोलते हैं, तो कई बार ऐसे बबल बन जाते हैं, और जब वो फूटता है तो उसमें सूखा आटा निकलता है, ऐसा कई बार होता है। तो जब चूने को बिना बुझे हुए चूने को जब पानी डाला जाता है कर बुझाया जाता है, जिससे वो खाने लायक हो सके या फिर रंग करने लायक हो सके, तो कई बार वो अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो उसमें बबल ट्रैप हो जाते हैं और बिना बुझा हुआ चूना थोड़ा सा रह जाता है, जिसके कारण से यदि वो हम खा लेते हैं तो मुंह में जो पानी है वो उससे क्रिया करेगा और आपके मुंह में छाले हो जाएंगे, है ना। और यही कारण है कि चूना खाना जो है वो डेंजरस हो सकता है, अगर वो सही तरीके से बुझाया हुआ नहीं है तो, है ना। वैसे तो नॉर्मली भी चूना नहीं खाना चाहिए, लेकिन चूने की एक अच्छी बात ये होती है कि उसमें कैल्शियम होता है ना। तो महीने भर में अगर थोड़ी सी मात्रा में चूना, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब एक चावल के दाने के बराबर, चावल का दाना कितना बड़ा होता है, उतनी सी मात्रा में एक महीने में अगर आप चूना खा लेते हो, तो वो चूना जो है वो आपके कैल्शियम के लिए, आपकी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करेगा, वो अच्छा है आपके लिए। और उसी की जगह आप एक एक चावल डेली खाते हो उस चूने का, तो वो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और आपकी या तो किडनी में पथरी हो जाएगी या फिर आपके पेशाब गाल ब्लेडर जो होता है वहां पर पथरी हो जाएगी, है ना। कहीं पर भी जो है वो पथरी हो सकती है, मूत्राशय में भी हो सकती है, गाल ब्लेडर में भी हो सकती है, मूत्राशय में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। नॉर्मली ये तीन जगह पे होती है, किडनी, मूत्राशय और गाल ब्लेडर, इन तीन जगह पे। तो ज्यादा मात्रा में चूना खाते हैं जो लोग, पान में खाते हो, जर्दे में खाते हो या फिर तंबाकू में खाते हो, उनको पथरी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ साथ अगर वो अच्छा बुझा हुआ चूना नहीं है, अच्छी क्वालिटी का चूना नहीं है, तो उससे जो है वो मुंह के छाले हो सकते हैं, और वो छाले कैंसर में तब्दील हो जाते हैं, है ना। तो उसको जो है वो आपको सही तरीके से पता होना चाहिए चूने का। हालांकि चूना जो है वो मैंने बताया आपको, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक औषधि में जो है वो एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। अगर कम मात्रा लेंगे चूना की तो हमारे बॉडी को कैल्शियम मिलेगा, हमारी हड्डी जो है वो मजबूत होंगी, हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो ये सारी चीज थी चूने के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। तो मेन बात क्या है, चूना चूना पत्थर जो होता है, जो चूना सारा चूना जो बनाया जाता है चूना पत्थर से बनाया जाता है। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है बिना बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जब हम बिना बुझे हुए चूने में पानी मिला देते हैं तो हमें प्राप्त होता है बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। होल ट्वाइस मतलब कि उसके आगे दो लगा हुआ। तो ये सारी बातें थी चूने से जुड़ी हुई, जनरल नॉलेज की बातें, रिएक्शन कैसे लिखते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे लगाते हैं, उसके नीचे हिंदी भी आपको लिखना चाहिए, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होती है ना। तो ये एक रिएक्शन थी जिसका यूज हम संयोजन अभिक्रिया को पढ़ने में करेंगे। सॉरी, तो इसको जो है वो हमने करके देखेंगे, तो हमें कुछ ऐसी रिएक्शन प्राप्त होती है, CaO + H2O, जो कि क्या है, देखो यहाँ पर लक्ष्मी एल लिखा हुआ है, लिक्विड है, पानी मतलब हम बिल्कुल पानी के रूप में यूज कर रहे हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया पानी से करवाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो दो यौगिक आपस में मिल रहे हैं, CaO और H2O, है ना। दो यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक बना ले रहे हैं, बना रहे कि नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे हैं। ऐसी सभी अभिक्रियाएं, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। एकल उत्पाद मतलब कि एक उत्पाद बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, है ना। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितनी साधारण सी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं, जब एक दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक इसको बोलते हैं ना जो इस साइड ये करते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ पर दो अभिकारक दिख रहे हैं आपको, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, केवल एक उत्पाद बना रहे हैं, एक यौगिक दिख रहा है आपको, है ना। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं।
और डेफिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, एग्जाम्पल के लिए बुझे हुए चूने, बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाएंगे तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। कितनी साधारण सी डेफिनेशन, और तीन नंबर में आ जाए तो कितने आसानी से लिख सकते हो आप डेफिनेशन। क्या बोलोगे? ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण, बिना बुझा हुआ चूना में पानी मिलाने पर बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, है ना। एक और सिंपल सी डेफिनेशन, एक और उदाहरण लिख सकते हो, सिंपल सा उदाहरण है, वो है C+O2 changes to CO2। यहाँ पर सभी चीजें आपको पता है, C क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन गैस, कार्बन को जलाते हैं तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। रिएक्शन बैलेंस भी है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ दो अभिकारक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे? संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं, संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो आज की क्लास में संयोजन अभिक्रिया के बारे में इतनी बात करनी थी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 40 मिनट हो चुके हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लेता हूं मैं। लक्ष्मी, खुशी, भूमि, सौरभ, योगेश, रुचि, लीलेश, रिया, अल्पेश, अर्चना, दीपांशु, महक, पवन, अनुज, विकास पंथी, है ना, सभी की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई है। आज के लिए इतना ही, संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। कल की आपकी छुट्टी रहेगी, संयोजन अभिक्रिया एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके उदाहरण देख लीजिएगा, ठीक है। जय गुरुदेव सभी को।